बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा कुकिंग व्लॉग, जिसमें मैं बनाने जा रही हूँ आप लोगों के लिए, बच्चों के लिए बहुत ही फेवरेट जो हैं वो KFC स्टाइल चिकन नगेट्स, जो कि बहुत ही आसान से इन्ग्रीडियंट्स के साथ मैं बनाने जा रही हूँ। और आइए जी देखते हैं रेसिपी को। रेसिपी कार्ड में हमें सबसे पहले क्या चाहिए जी, मैंने बोनलेस चिकन लिया है तकरीबन 1/2 kg के करीब है। इसके बाद जो मैंने लिए वो लहसुन अदरक का पेस्ट है तकरीबन 1 खाने का चम्मच है, काली मिर्च है वो भी तकरीबन 1 खाने का चम्मच है, और नमक हसब ज़रूरत आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सोया सॉस है हमारे पास वो तकरीबन 1 बड़ा खाने का चम्मच है, और इसमें भी नमक होता है तो इसलिए नमक जो है वो आप कम ही रखिएगा। और ब्रेड के स्लाइस मैंने यूज़ किए हैं, ये है प्लेन ब्रेड है, मीठी ब्रेड आप इसमें इस्तेमाल नहीं करनी है आपने, क्योंकि अगर आप मीठी ब्रेड इस्तेमाल करेंगे तो नगेट्स हैं वो आपके मीठे मीठे हो जाएंगे। तो प्लेन ब्रेड के स्लाइस लिए हैं मैंने 2। तो चले आएँ जी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो ब्रेड स्लाइस हैं इसको मैं छोटा छोटा करके जो है वो चॉपर में डाल रही हूँ। अब हम इसमें चिकन ऐड कर लेंगे, जो कि मैंने बोनलेस चिकन लिया है 1/2 किलो, और इसको मैंने बारीक किस तरह से पीसेस में कट कर लिया है। साथ ही इसमें हम डालेंगे सोया सॉस, लहसुन अदरक का पेस्ट, काली मिर्च और नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी हमारा कीमा जो है वो नगेट्स के लिए बेहतरीन से रेडी हो गए। अब हम इसको क्या करेंगे कि ट्रे में बटर पेपर अगर अवेलेबल है तो बटर पेपर लगा के आप उसमें ऑयलिंग करके आप उसको निकाल दें, अगर बटर पेपर नहीं है तो आप ट्रे में भी ऑयल लगा के आप इसको डायरेक्ट निकाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी कीमा हमारा रेडी हो गया। अब हम इसमें तकरीबन 2 चम्मच के करीब ऑयल डालेंगे, कुकिंग ऑयल, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा जो नगेट्स का बैटर कह लें आप, कीमा जो भी है आपने देख लिया, ये सेट हो गए। इस तरह से ट्रे में आपने सेट करके 1/2 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देना है। तो मिलते हैं फिर आपसे 1/2 घंटे की ब्रेक के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1/2 घंटा हो चुका है और हम ये अपना फ्रिज से ले आए हैं जी कीमा, जो नगेट्स के लिए हमने तैयार किया था। और अब फ्राइंग के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए, ये ब्रेड क्रम हसब ज़रूरत मैंने ले लिए हैं। और ब्रेड क्रम्स कैसे बनाए जाते हैं इसकी रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये मैंने जी एक ले लिया, एक इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। और बच्चों के लिए चूँकि हम ये रेसिपी बना रहे हैं और बच्चे जो हैं वो शेप्स जो है नगेट्स की बहुत पसंद करते हैं, तो ये मैंने डिफरेंट साइज़ के और स्टाइल्स के कटर ले लिए हैं, और ये आप इसमें बना सकते हैं। चाहे तो आप सिंपल जो बेकरी से आप लेके आते थे नगेट्स वो भी आप बना सकते हैं, लेकिन शेप्स बच्चों को ज़्यादा पसंद होती हैं इसलिए हम शेप के साथ बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है हम शेप का बना लेते हैं। और अगर आप सिंपल जो है वो बनाना चाह रहे हैं, शेप्स के साथ नहीं बनाना चाह रहे, तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले जो है एग में ऐसे, और उसके बाद जो है वो हम इसको ब्रेड क्रम्स में डिप करेंगे, अच्छे से ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। देखें इस तरह से हमने सबको नगेट्स को ऐसे रेडी कर लेना है। और इस स्टेज पे आप इनको अगर फ्राई नहीं करना चाह रहे तो आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फ्रीज़ करने के लिए इसी तरह आप सारे बना के एक प्लेट में रख दें और इसको 2 घंटे के लिए उठा के फ्रीज़र में रख दें। जब वो अच्छे से सेट हो जाएँ तो आप किसी भी प्लास्टिक बैग में इसको या पॉलीथीन बैग में डाल के आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं तकरीबन 1 महीने फ्रीज़र में 1 महीने के लिए, और आप इसको इंजॉय कर सकते हैं टी टाइम में भी, मेहमानों के लिए भी और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी। तो चलें आए हैं अब इसकी फ्राइंग की तरफ चलते हैं। तो फ्राइंग के लिए ऑयल जो है वो मैंने ले लिया था और इसको मैंने प्री हीट कर लिया है। और ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं करना आपने, क्योंकि ये सारी चीज़ें कच्ची हैं तो इसको कुक होने में अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में डाल देंगे तो एकदम से जल जाएंगी। तो ये देखें अब हमने इसको फ्राई कर देना है। बहुत ही यमी से ये जो नगेट्स हैं वो रेडी होंगे और बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। और सबसे जो
मज़े की बात है कि ये हेल्दी स्नैक्स हैं, आप प्रिजर्वेटिव से पाक हैं और बजट में भी हैं। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे जो है फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। हाँ ये देखिए, अब हम इसकी साइड टर्न कर रहे हैं और हल्की आंच पे ये मज़े से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। और अगर आप लाइट कलर में रखना चाहें तो आप लाइट कर लें। और ये देखें जी, ये मैंने फ्राई कर ली है और बाकी जो मैंने बना के वो फ्रीज़ कर दी है। तो मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आपने मुझे फीडबैक ज़रूर देना है, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आप नेक्स्ट जो है लंच बॉक्स की कौन सी रेसिपी देखना चाह रहे हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लिया करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।